मेहरबानी से खामोश रहें थोड़ी देर, है ना। ये जरूरी है कि हम अपना ध्यान इस तरफ ले करके आए स्टेज की तरफ। सबसे पहले हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जितना परमेश्वर ने हमें दिया है। और हम इस वक्त विशेष तौर से धन्यवाद करते हैं अपने तमाम टीचर्स का, तमाम अपने जो हमारे प्रेसिडेंट साहिबा है उनका, जिन्होंने तैयार किया कि वो आज डब्ल्यूएसएसए संडे जो क्रिसमस ट्री है उसमें और जो संडे स्कूल क्रिसमस ट्री है उसको सेलिब्रेट कर सकें। तो अपने जो टीचर्स हैं प्रेसिडेंट साहिबा हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, और उन सभी का भी जो उनके साथ जुड़े और जुड़ करके उन्होंने उचित समझा कि आज हम क्रिसमस ट्री सेलिब्रेशन करें, और सभी बच्चों का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनका हम धन्यवाद करते हैं। पूरी कलिसिया का जो यहाँ उपस्थित है, कुछ एक नहीं भी है, हो सकता है बिजी है कहीं और है, लेकिन हम सबका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और खास तौर से माइक सिस्टम का मैं दुआ से पहले ही आए, है ना, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने अरेंजमेंट कर दिया इस चीज को। और जो हमारे मेहमान आए थे उनका भी हम विशेष तौर से शुक्रिया अदा करते हैं, कुछ एक देख रहे हैं कुछ चले गए, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि आप सब आए और आपने हमारा उत्साह बढ़ाया है कि हम इस प्रकार से आगे भी अपने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए और इस क्रिसमस की खुशी को एक दूसरे के साथ बांट कर इस प्रकार के हम छोटे और बड़े प्रोग्राम आयोजन कर सकें। और इस वक्त विशेष तौर से मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी कलीसिया की तरफ से, छोटे बड़े बुजुर्ग सभी की तरफ से, मैं जो हमारे क्रिसमस फादर हैं उनका मैं यही बोलेंगे, बोलते बोलते मैं बिगड़ जाती है, भूल जाते हैं कहाँ बोल रहे हैं, मैं क्रिसमस फादर का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतनी दूर से चलकर 2022 में हमारे साथ आए, अपनी खुशियां हमारे यहाँ बांटी, गिफ्ट बांटे सभी को, है ना, सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। तो हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि आगे भी आप हमारे साथ आते रहें और इसी प्रकार से खुशी मनाते रहें। अगर कोई रह गया है तो उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा आपको और हम सबको आशीष करे। कुछ और तो नहीं रहेंगे, चलिए आइए हम थोड़ी सी प्रार्थना करें, उसके बाद हम ऐ हमारी बात की दुआ और फिर बेनेडिक्शन के साथ यहाँ से रुखसत होंगे, और उसके बाद हम सब समय सामानों को चेयर्स को सब चीजों को समेट के अंदर हम रखेंगे। आइए हम दुआ करें। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तूने एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम इस अच्छे और सुनहरे मौके पर तुझे पहला स्थान देते हुए तुझे शुक्रिया अदा कर सके। आसमानी बाप, जो भी हमने तैयारियां करी कि आज हम क्रिसमस ट्री के रूप में तेरे बेटे यीशु मसीह के आने की खुशी को मना सके, उसमें तू हमारे साथ बना रहा। तूने हमें हर प्रकार की शैतानी बातों से, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से तूने बचाया, उसके लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। से प्रार्थना करते हैं आसमानी बाप कि जब हम यहाँ से रुखसत होते हैं, अपने घरों में जाते हैं, भोजन करते हैं और आराम की नींद लेते हैं, तो हमारे शरीर की तमाम थकावट को दूर करना ताकि हम नए दिन में उठें और उनका चरित्र प्रशंसा कर सकें। हर बात पर तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और इस दुआ को मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धार करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऐ हमारे बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस प्रकार हम कसूरवार को माफ करते हैं तो हमारे कसूर में माफ कर, हमें अजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। इससे पहले कि मैं बेनेडिक्शन अनाउंस करूं, जो बैक स्टेज है ना, स्टेज के पीछे काफी लोग हैं, वहां से आ रहे थे जी, काफी लोग आ रहे थे जा रहे थे, समोसे खाए और क्या था वो मिर्ची वड़ा, चाय कॉफी आपने पी, उनका शुक्रिया अदा करना तो मैं भूल ही गया, वो जरूरी है, वरना अगली बार कॉफी में नमक डाल के दे देंगे, है ना। उनका हम सब मिलकर के उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, और इसी साल तक कुछ कहना चाह रही है। मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ अपने चर्च के सेक्रेटरी का, खास करके और ट्रेजरर साहब का, जैसे उनको स्टेज के, और पाकिस्तान का मेन तो हमारे लीडर पाकिस्तान है कलीसिया के, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी क्योंकि
कि उन लोगों को जैसे गुलाटी चर्च का प्रोग्राम है बच्चों का संडे स्कूल का और डब्ल्यूएसएस की बहनों की क्रिसमस ट्री साथ में मनाई जाएगी, उन्होंने हमें बहुत सहर्ष इसकी अनुमति दी और बहुत ही प्यारा स्टेज उन्होंने लगा के दिया हमको। और ये टेंट हाउस जो यहाँ से, क्योंकि सर्दी का टाइम है तो हमें इससे काफी राहत मिली है और बैठ करके हमने इस क्रिसमस ट्री को मनाया और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। खास करके स्टेज के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सेक्रेटरी साहब, ट्रेजरर साहब का, कि जब भी हम उनको किसी भी काम के लिए बोलते हैं वो हमें बहुत सहयोग देते हैं, बहुत पॉजिटिव है उनका एटीट्यूड। और पादरी साहब का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने, उनकी अगुवाई में हम लोग चर्च के हर एक प्रोग्राम को करने को पाते हैं, हमेशा बहनों के लिए बच्चों के लिए भाई साहब हमेशा मौजूद रहते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि भाई साहब और भाई साहब के परिवार को बहुत आशीष दे और इसी तरह से वो हमारे साथ बने रहे और हमें अपनी गाइडेंस के द्वारा हमें हमेशा गाइड करते रहे। क्रिसमस फादर का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, उन्होंने अपना कीमती समय हमको दिया और आप आए, आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही मान्य रखती, क्योंकि क्रिसमस ट्री में अगर क्रिसमस फादर नहीं है, यीशु मसीह हमारे लिए जन्मा, उस खुशी को मनाने के कारण से एक चिन्ह है हमारे लिए कि क्रिसमस फादर को देखते ही जो कि जो लोग नहीं जानते वो भी इस चीज को जानते हैं कि इनका क्रिसमस आया है, प्रभु यीशु मसीह जन्मा है कि नहीं? सही बात, हर चीज के लिए कोई साइन होता है तो उन लोगों को पता पड़ता है कि बड़ा दिन, बड़ा दिन कब, जब प्रभु यीशु मसीह जन्मे और क्रिसमस फादर ने आकर सबको शुभ संदेश सुनाया और उसने अपनी आशीष से गिफ्ट के रूप में हमें दी। तो ये बहुत, आपका आना हमारे लिए बहुत शुभ रहे, हर साल नए साल में आप फिर हमसे मिलने आए, ये इसी आशा के साथ हम आपसे अभी विदाई चाहते हैं और धन्यवाद करते हैं। आप सब खड़े हो जाए अपने स्थानों पर। बेनेडिक्शन के बाद मौका होगा आप सभी के लिए क्रिसमस पार्टी से आप मिले और जो हमारे प्रिय जी लेकर के आए थे उन्हें छोड़कर आए प्रिय तरीके से धूमधाम से, फिर अगले साल नहीं आएंगे, अगले साल नहीं आएंगे, अगले साल नहीं आएंगे, चलिए है ना, चलिए दुआ मांगे। अब हमारे खुदावंत यीशु मसीह का भजन, खुदा बाप की मोहब्बत, पार्वती की रिफाकत और शराकत हम सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ हमेशा हमेशा तक बने रहे। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।